नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का साहित्य ज्योति में। आप सब जैसा कि जानते हैं कि इस वक्त हम लोग क्लास सिक्स के सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट की प्रतिदिन आपको वीडियो आ रहे हैं जिसमें आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग हिस्ट्री के सिलेबस की चर्चा करेंगे। हमारी हिस्ट्री की किताब है अतीत और परंपरा, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास सिक्स की हिस्ट्री की जो किताब है उसका नाम है अतीत और परंपरा। और आज की वीडियो में हम लोग फर्स्ट समेटिव से लेके थर्ड समेटिव तक, यानी कि फर्स्ट समेटिव, सेकंड समेटिव और थर्ड समेटिव, तीनों समेटिव के जो सिलेबस हैं एग्जाम में कौन कौन से पाठ आएंगे उस पर हम बातचीत करेंगे, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे ताकि आप अपनी तैयारी को पहले से थोड़ा मजबूत कर सकें और एग्जाम में अच्छे से प्रस्तुत हो सकें। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो एग्जाम में आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट इतिहास अतीत और परंपरा क्लास सिक्स, जिसमें कि फर्स्ट समेटिव के अंतर्गत सबसे पहले प्रथम अध्याय यानी कि चैप्टर वन, द्वितीय अध्याय यानी कि चैप्टर टू और तृतीय अध्याय यानी कि चैप्टर थ्री, यानी कि फर्स्ट समेटिव के एग्जाम में आप लोगों के लिए चैप्टर वन से लेके चैप्टर थ्री तक आ रहा है। और इसके बाद अगर हम सेकेंड समेटिव की बात करें अगर हम, तो सेकेंड समेटिव में आपका आ रहा है चैप्टर फोर, चैप्टर फाइव और चैप्टर सिक्स, यानी कि फोर से लेके सिक्स तक, फोर फाइव सिक्स। इसके बाद यदि हम थर्ड समेटिव की बात करें जो कि आपका फाइनल एग्जाम भी है, इसको पास करने के बाद आप जो हैं वो क्लास सेवन में चले जाएंगे। तो वहां पर हम देख रहे हैं कि चैप्टर सेवन, ठीक है, चैप्टर एट और चैप्टर नाइन, यानी कि चैप्टर सेवन से लेके नाइन तक, सेवन एट नाइन, ये तीनों चैप्टर आ रहे हैं। इसके अलावा चूंकि और भी आ रहा है तो इसमें हम देख रहे हैं कि चैप्टर फोर, ठीक है, चतुर्थ अध्याय, चैप्टर फाइव पंचम अध्याय और चैप्टर सिक्स, फोर फाइव सिक्स से भी एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा चूंकि थर्ड समेटिव है 70 मार्क्स का होगा, तो इसमें 7, 8, 9 तो आ ही रहा है, ठीक है, 7, 8, 9 तो आ ही रहा है। इसके अलावा जो आप लोगों ने सेकेंड समेटिव में पढ़ा है 4, 5, 6 भी आएगा। बच्चों, इसमें मैं हर बार हर वीडियो में बताती हूँ कि जो आपके स्कूल के सर या मैडम है जो आपको हिस्ट्री या दूसरे विषय पढ़ाते हैं, जो सर मैडम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो इसमें से एक आध चैप्टर कम या अधिक कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, परंतु ये बोर्ड के द्वारा बताया गया यही सिलेबस है, इसको हमें फॉलो करना होता है। तो इसे आप लेकर पढ़ सकते हैं, इसे आप समझकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं ताकि एग्जाम तक आप अपनी तैयारी को पुख्ता और मजबूत कर सकें, जिससे एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आए। आशा है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी होगी, जो कि आपको पढ़ाई करने में मदद करेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।